तो बेटा जी हम बात कर रहे थे इसकी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी की। हमने क्या किया, पहले स्टडी स्टेट करंट से चार्ज निकाला, और चार्ज बेटा करंट होता है, चार्ज अपॉन टाइम, टाइम ये हो गया, करंट ये, यहां से निकाल दिया चार्ज। अब बेटा हम ऑल्टरनेटिंग करंट से बेटा चार्ज कैलकुलेट करेंगे। आई वर्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू आई इंटू डी टी फ्रॉम इक्वेशन टू, और इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है, केवल तीन टर्म यूज होंगी, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, आई नॉट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी ऑफ डी टी, और जीरो से बेटा टी बाई टू, और जीरो से बेटा क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, आई नॉट, और साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कोस। तो क्या लिखेंगे, माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी और डिवाइडेड बाई ओमेगा, और जीरो से टी बाई टू। दैट मीन्स क्यू इक्वल्स टू आई नॉट बाई ओमेगा नेगेटिव साइन, और ये होगा बेटा कोस ओमेगा टी और जीरो से टी बाई टू। बट ओमेगा होता है बेटा टू पाई बाई टी, तो चार्ज इक्वल्स टू हो गया माइनस आई नॉट अपॉन टू पाई और इंटू कोस ओमेगा बेटा टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू माइनस कोस ऑफ जीरो। इसमें बेटा लिमिट डाल दी, इस ओमेगा की जगह रखा टू पाई बाई टी, और बेटा अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, टी से बेटा टी कैंसिल, टू से टू, क्यू इक्वल्स टू माइनस आई नॉट टी अपॉन टू पाई कोस पाई माइनस कोस जीरो, और कोस पाई होता है बेटा माइनस वन, कोस जीरो माइनस वन। तो बेटा क्यू इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस टू आई नॉट टी अपॉन टू पाई। तो बेटा यहां पर जो चार्ज होगा तो क्यू इक्वल्स टू हो गया बेटा आई नॉट टी अपॉन पाई। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। ये स्टडी स्टेट से था, ये बेटा एसी से। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री आई नॉट टी अपॉन पाई इक्वल्स टू आई एवरेज टी बाई टू, टी कैंसिल विद टी, आई एवरेज इक्वल्स टू टू आई नॉट बाई पाई। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। यदि मैं इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो आई एवरेज टू आई नॉट 22/7, आई एवरेज इक्वल्स टू 0.636 ऑफ आई नॉट। क्या बेटा यदि मैं परसेंटेज की बात करूं आई एवरेज इक्वल्स टू 63.6% ऑफ आई नॉट, जो भी ऑल्टरनेटिंग करंट होगी उस ऑल्टरनेटिंग करंट की जो बेटा आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, पीक वैल्यू यदि 10 एम्पियर है,
तो 10 का 63.6% एवरेज वैल्यू होगी, दैट मीन 10 एम्पियर है तो 6.36 एम्पियर की एवरेज वैल्यू होगी। ये केवल कंसिडरेशन है, एवरेज वैल्यू निकालने का और कोई मेरे पास तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की, स्टडी स्टेट में जितना चार्ज फ्लो करता है उसे मैंने कंपेयर कर दिया अल्टरनेटिंग करंट जो उतना भी चार्ज सेंड करेगा, और तब जाके एवरेज वैल्यू जो होती है वो 63.6% ऑफ आई नो। कहीं भी कोई इक्वेशन मिलती है और आपसे एवरेज वैल्यू पूछता है तो पीक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 0.636, दैट इज एवरेज वैल्यू ऑफ केस। अब यहां पर क्योंकि करंट भी नहीं, ईएमएफ की भी रिक्वायरमेंट है। यदि आप ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं तो ईएमएफ के लिए भी मुझे एवरेज वैल्यू की रिक्वायरमेंट बनती है। तो व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन एसी? तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो सिमेट्रिकल होते हैं थोड़े से, बस थोड़ा सा चेंज होगा। और बेटा ये सब तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर में सब में इंटीग्रेशन चलता है, मैथमेटिकल टर्म्स होती है, बस आप समझते जाओ और करते जाओ। तो बेटा जी यहां पर अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही लगाएंगे और टॉपिक है बेटा क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन एसी। द एवरेज वैल्यू of EMF in AC for half cycle time period is the same amount of charge sent by steady state EMF through a resistor and AC for the same time in the same register वहां पर करंट की बात की थी बेटा और यहां पर बातें हुई इसकी ईएमएफ। अल्टरनेटिंग करंट में जो भी ईएमएफ होता है, तो अब आप स्टडी स्टेट ईएमएफ लो, ईएमएफ आप समझते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द सेल, और उससे टी बाई टू टाइम पीरियड के लिए देखो अप्लाई करो और देखो कितना चार्ज उसने सेंड किया। और बेटा सेम चार्ज सेंड करने में जितनी भी अल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो बेटा देखो लेट ईएवी एवरेज वैल्यू of EMF I not peak value of EMF R beta क्या है resistance of resistor तो बेटा यहां पर करंट किसके बराबर होता है, करंट होता है बेटा ओम्स लॉ से निकालता हूं बाई ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू बेटा ई एवरेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस एंड आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी From first and second
ई एवरेज अपॉन आर इक्वल्स टू बेटा क्यू बाई डी, क्यू इक्वल्स टू बेटा ई एवरेज इंटू डी बाई आर, बट टी इक्वल्स टू कितना है बेटा टी बाई टू। तो यहां बेटा चार्ज कितना आ गया, चार्ज इक्वल्स टू ई एवरेज टी डिवाइडेड बाई टू आर। इन केस ऑफ एसी इक्वेशन ऑफ ईएमएफ क्या होती है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेटा इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। अब बेटा इससे करंट निकालो, तो आई इक्वल्स टू क्या होगा बेटा ई बाई आर, तो आई इक्वल्स टू बेटा ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। बट आई ऑल्सो डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा ई नॉट बाई आर साइन ऑफ ओमेगा टी। तो dq इक्वल्स टू बेटा जी e नॉट अपॉन r साइन ओमेगा t इंटू डी टी, और इसे भी क्या कर दे बेटा इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग जीरो से t बाई टू। एवरेज हमेशा हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, तो टाइम पीरियड कितना होगा बेटा t बाई टू। अब तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू जीरो से क्यू ई नॉट बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी और बेटा डी टी जीरो से टी बाई टू। डी क्यू का इंटीग्रेशन बेटा क्यू जीरो से क्यू ई नॉट बाई आर, और साइन का बेटा अभी बताया था मैंने माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और जीरो से टी बाई टू। ओमेगा की वैल्यू रखो, ओमेगा क्या था बेटा टू पाई बाई टी, तो क्यू माइनस जीरो E नोट बाई आर ओमेगा कोस ऑफ टू पाई टी बाई टी जीरो से टी बाई टू। क्यू इक्वल्स टू बेटा माइनस ई नोट अपॉन आर ओमेगा कोस टू पाई बाई टी बाई टू माइनस कॉस जीरो, टी से बेटा टी टू से बेटा टू माइनस ई नोट बाई आर ओमेगा कोस पाई माइनस कोस ऑफ जीरो, और कोस पाई क्या होता है बेटा माइनस वन, तो q इक्वल्स टू बेटा माइनस ई नॉट बाई आर ओमेगा, ओमेगा को भी रख दो टू पाई बाई टी, कोस पाई माइनस वन माइनस वन, q इक्वल्स टू ई नॉट टू ई नॉट टी अपॉन टू पाई आर। चार्ज हो गया बेटा ई नॉट टी अपॉन पाई आर।
ये चार्ज हुआ किससे बेटा, स्टडी स्टेट ईएमएफ से। अब फ्रॉम इक्वेशन कौन सी बनी थी बतानी यार, थ्री तो थ्री हो रही ना, थ्री एंड फाइव ई एवरेज टी अपॉन टू आर इक्वल्स टू ई नॉट टी अपॉन पाई आर, आर कैंसिल विद आर, टी कैंसिल विद टी, ई एवरेज इक्वल्स टू टी ई नॉट बाई पाई, दिस इज द एवरेज वैल्यू, या ई एवरेज इक्वल्स टू बेटा टू ई नॉट अपॉन 22 बाई 7, ई एवरेज इक्वल्स टू बेटा 0.636 ऑफ ई नॉट, या ई एवरेज इक्वल्स टू 63.6% ऑफ ई नॉट। तो बेटा ना तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट में कोई चेंज आया, ना एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ में कोई चेंज आया, दोनों ही 63.6% ऑफ द पीक वैल्यू है। हमारे आपको कोई इक्वेशन लिखी आ गई इक्वल्स टू 200 साइन ओमेगा टी, और आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी पीक वैल्यू वो एवरेज वैल्यू निकालो। तो बेटा जब आप एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बस 100 मल्टीप्लाई बाई 6.636, तो 63.6 वोल्ट क्या होगा एवरेज। तो ये तो बेटा एवरेज वैल्यू की बात हुई। अब एवरेज वैल्यू के बाद यहां पर क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं होती है, हाफ साइकिल की बात हुई थी, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, फिर बात की नहीं भैया हम तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालेंगे। जैसे मैंने कहा गैसेज में जैसे एवरेज वैल्यू होती है ऐसी मैंने करंट की एवरेज वैल्यू निकाली, लेकिन जो कंसिडरेबल वैल्यू है बेटा वो होती है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फुल साइकिल टाइम पीरियड के लिए, यहां पर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंप्लीमेंट करता हूं। कैसे एनर्जी इंप्लीमेंटेशन, जरा देखो मैं क्या करूं, एक कंडक्टर लू, जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है उसमें फुल साइकिल टाइम पीरियड के लिए स्टडी स्टेट करंट पास करो, और देखो कंडक्टर उसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा, वो कितनी हीट जनरेट करता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड होगा 1/50 सेकेंड। एक कोई भी रजिस्टर लो, 2 ओम का, 10 ओम का, 100 ओम का, 1000 ओम का, जितना मर्जी, उस रजिस्टर में 1/50 सेकेंड के लिए डायरेक्ट करंट पास करो और देखो कितनी हीट जनरेट हुई। सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने में जो भी अल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। पहले हम चार्ज का कंसिडरेशन ले रहे थे, चार्ज कंजर्वेशन ले रहे थे, अब बेटा हम यहां पर लेंगे कंजर्वेशन ऑफ हीट या एनर्जी। तो मैं कंडक्टर लूंगा जिसका अपने एक रेजिस्टेंस है, और उस कंडक्टर में मैं स्टडी स्टेट करंट पास करूंगा एक फुल साइकिल टाइम पीरियड के लिए और देखूंगा कितनी हीट जनरेट होगी, और सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने में जो भी अल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो मेरी क्या होगी बेटा, एवरेज वैल्यू, सॉरी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब देखो बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, और यदि नहीं समझ आया है तो ऐसे मान सकते हैं एक छोटा बच्चा, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा तो थप्पड़ आने से कितना गर्म हुआगा, अब उतना ही गर्म करने के लिए छोटा बच्चा कितने थप्पड़ मारता रहे तो वो तेरे थप्पड़ के बराबर होगा। एक बड़ी सी लकड़ी थी उसे जला के कुछ हीट जनरेट की, उसकी जगह कितने कागज, कितनी छोटी छोटी लकड़ियां,
उतनी हीट जनरेट करेंगी तो वो उसके बिल्कुल बराबर होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात की बेटा, और यहां एनर्जी क्योंकि हीट भी एनर्जी की फॉर्म होती है तो मैं हीट का कंसिडरेशन लूंगा, और यो होगी बेटा मेरी टू की मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब है बेटा टॉपिक रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट कैसे डिफाइन करें। देखो बेटा द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल टाइम पीरियड is the same amount of heat generated by steady state current in a resistor as AC for the same time and same resistor अब बात करेंगे बेटा किसकी हीट की, और हीट कंसिडरेशन क्या होता है, कैसे हम हीट कंसिडरेशन लेते हैं आपको पता है। हीट के लिए देखो लेट आई आर एम एस क्या है बेटा रूट मीन स्क्वायर करंट, आर क्या है बेटा रेजिस्टेंस, देन हीट जनरेटेड बाय स्टडी स्टेट स्टडी स्टेट करंट एच इक्वल्स टू बेटा आई आर एम एस स्क्वायर आर इन टू टी। ये है हीट जो जनरेट किया है किसने स्टडी स्टेट करंट में। अब बेटा लेट इक्वेशन ऑफ एसी I equals to beta I naught sin omega t, then change in heat heat में क्या change होगा। यदि मैं heat change निकालना चाहता हूं तो बेटा dH equals to I square R dt, बस यहां पर डीएच ले लिया ये बेटा आई ये आर और टाइम क्या होगा यहां डीटी क्योंकि टाइम वेरिएशन चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन टू डीएच इक्वल्स टू बेटा आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डीटी, बस इसे इंटीग्रेट कर दो जीरो से टी तक, और जब इसे बेटा इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऑफ डी टी, और जीरो से बेटा टी तक और जीरो से बेटा एच तक। इस हीट कंसिडरेशन को यदि मैं लेके चलता हूं तो धीरज साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करता है
सर साइन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। कभी जो साइन स्क्वायर होता है या बेटा कोस स्क्वायर होता है ना, तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करते, उसे बेटा टर्म को पहले तोड़ते हैं, उसे बेटा तोड़ना पड़ता है। और हम कोस 2a का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, कोस 2a का, तो बेटा साइन स्क्वायर को कैसे तोड़ेंगे? कोस 2a का फॉर्मूला बता धीरज। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो बेटा साइन स्क्वायर a की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस 2a। अब मेरे पास क्या है बेटा? साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा टी, इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो, पुटिंग इन 3। सर अपॉन में 2 भी आएगा, अपॉन में 2 भी आएगा, क्योंकि 2 होता है बेटा, यहां पर 2 था ना, और ये अपॉन हो गया बेटा 2। तो डीएच का हो गया एच 0 से बेटा एच आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और बेटा डी टी 0 से कहां तक बेटा? टी तक। और इंटीग्रेशन बताओ बेटा, डीएच का हो गया एच आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, 1 का बेटा t माइनस कोस बेटा साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा और 0 से t। अब बेटा अपर लिमिट, पहले तो ओमेगा की वैल्यू डालो, ओमेगा क्या था? 2 पाई बाई टी। ये एक्सप्रेशन बेटा साथ साथ सॉल्व करने पड़ेंगे, जिस बच्चे को इंटीग्रेशन आता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं है, जिनके पास बेटा मैथ्स नहीं है, वो बस इन दो टर्म को समझेंगे, इसलिए बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया मैंने। तो बेटा जी यहां पर हीट आ गई एच इक्वल टू आई नोट स्क्वायर आर बाई 2, और बेटा अपर लिमिट टी माइनस साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 पाई बाई टी और माइनस 0 प्लस 0। एक बार टी की जगह टी रख दिया, एक बार बेटा 0, टी से बेटा टी कैंसिल, एच इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस साइन 4 पाई क्या होता है बेटा? 0। तो h इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी। पता नहीं कौन सी इक्वेशन थी धीरज, कौन सी थी? फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आई आर एम एस स्क्वायर आर टी I नोट स्क्वायर आर टी अपॉन 2, तो आई आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू आई नोट बाई 2, तो आई आर एम एस इक्वल टू बेटा आई नोट बाई रूट 2। दिस इज द आर एम एस वैल्यू। यदि इसे मैं थोड़ा सोल्व कर दू तो आई आर एम एस इक्वल टू रूट 2 आई बाई 2, या बेटा 1.414 आई नॉट बाई 2,
और ये बेटा एवरेज वैल्यू से ज्यादा होती है, और ये बेटा 0.707 टाइम्स ऑफ आई, दैट मींस आई आर एम एस इक्वल टू 70.7% ऑफ आई नॉट। जो बेटा पहले हम करंट की बात कर रहे थे वो करंट की एवरेज वैल्यू, और वो होती है बेटा कितनी 63.6%, और आरएमएस वैल्यू होती है बेटा 70.7%। सेम बेटा ईएमएफ होगा इसमें, और ये जो दो डेरिवेशन है क्योंकि करंट कंसिडरेशन की बात है, तीन नंबर में कोई ना कोई एक बेटा रखी होती है, इसमें इसी तरह के फेज चलते हैं। जैसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ करंट थी, फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, फिर ईएमएफ है दोनों के, फिर एसी सर्किट में रजिस्टर क्या काम करेगा, इंडक्टर क्या काम करेगा, कैपेसिटर क्या काम करेगा, फिर दो के कॉम्बिनेशन, फिर दो के कॉम्बिनेशन, फिर दो के कॉम्बिनेशन, फिर तीन के कॉम्बिनेशन। तो ये इस तरह से बेटा चैप्टर चलता है। तो इन डेरिवेशन को आप साथ साथ करिए, और संडे को बेटा इस बार टेस्ट रखेंगे। कौन से चैप्टर हुआ था बेटा पहले? सिक्स चैप्टर, और सिक्स चैप्टर आपने तो वन टू बोला था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो सैटरडे में टाइमिंग बता दूंगा, इस संडे टेस्ट होगा, आप तैयारी करें। और कुछ बच्चे जो फीस नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं रिमूव कर दूंगा, मैं ग्रुप से हटा दूंगा। मेरे पास यार इससे ज्यादा पूरा महीना गुजर जाता है, कुछ बच्चे तो ऐसे और कहते ही गायब हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जब से पढ़ने लगे एक दिन एक बार भी फीस नहीं दी, अब इतनी भी क्या प्रॉब्लम होगी भाई। चलो लेट हो जाता है बच्चा, मन की दे तो दे, अब मैं बोलता रहता हूँ कान पे जूं नहीं रहती। कुछ बच्चे ऐसे स्मार्ट है, पहले पढ़ रहे थे कि मेरे तो घर में प्रॉब्लम है, वो दूसरे के साथ अटैच होकर पढ़ लेते हैं, वो वीडियो डाउनलोड करके देख लेते हैं, तो ये तो प्योर चीटिंग हुई ना। तो बेटा पैसे की सबको जरूरत होती है, जिसने फीस नहीं दी है प्लीज इसी मंथ में सबमिट करें। और गुड इवनिंग सर। पहले सर, हाँ बेटा सर, पहले आप कह रहे थे कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट लोगे। यस सर, आपने बोला था। नहीं पहले बेटा इसी चैप्टर को तैयार करो, फर्स्ट सेकंड किसी का हुआ नहीं है, पहले इसी चैप्टर को करो। ओके सर। ओके बेटा, सही। नमस्ते नमस्ते बेटा।